देख लो वहां से क्या नहीं, नहीं आ रही। जी अमित राव अभी एक बार चेक कर रहे हैं बताना अभी वॉइस थोड़ी देर में एक मिनट रुक जाओ भाई देखना सर नहीं ना हाँ आ, अभी आ गई ना भाई जी बिल्कुल चलो देखिएगा हम बात कर रहे थे अपनी सीरीज हिस्ट्री की एट सीरीज हम कवर कर चुकी है अभी जो नाइन्थ सीरीज थी आज का हमारा सेशन होगा नाइन्थ सीरीज का और जो गवर्नर और वाइस का टॉपिक था गवर्नर जो वाइस का टॉपिक था उसका टॉपिक हम एक सीरीज कवर कर चुके उसकी और सेकेंड नंबर का पार्ट आज हमारा होगा कल मैं आपकी क्लास में आपको आठवीं जो सीरीज के क्वेश्चन थे उसके बीस क्वेश्चन में आपको कवर करवा चुका हूं आज जो का जो अपना क्वेश्चन होगा सीरीज का ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखना फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है तो उसमें आप लोग कमेंट करना आंसर देने की कोशिश करना सभी लोग तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जेम्स एंड्रोज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था ठीक है जी जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था ऑप्शन ए लॉर्ड डालोजी बी लॉर्ड कैनिंग सी लॉर्ड नॉर्थ या डी लॉर्ड कर्जन ठीक है जी ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं आपने बताना है जेम्स एंड्रूज रैमजे किस गवर्नर जनरल को भारत में कहा जाता था तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई वो आएगा लॉर्ड डलौजी ठीक है जी लॉर्ड डलोजी जी हां हमारे देश में जो लॉर्ड डलौजी है इसका जो काल है ना भाई वो 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था सन 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड लॉडी का शासनकाल अब इसी के शासनकाल में हमारे देश में काफी कार्य वगैरह मैं बताऊंगा आपकी लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से शासनकाल में कार्य किए गए थे तो इस लॉर्ड लाजी को ठीक है भारत में किस नाम से किस अन्य नाम से जाना जाता है एक तो इसको उपनाम है अर्ल ऑफी अर्ल ऑफ डी इस लॉर्ड डलोजी को कहा जाता है और दूसरा इसका रियल नाम जो था ना वास्तविक नाम वो था जेम्स एंड्रूज रैमजे ठीक है, जेम्स एंड्रूज रेमजे इसका वास्तविक नाम था आप लोग इसको लॉर्ड डलोजी के नाम से पढ़ते हो और इसके एक निक नेम है, अर्ल ऑफ डलोजी अर्ल ऑफ डलोजी इस डलोजी को कहा जाता है काफी इसके शासनकाल में कार्य हुई थे जैसे कि आपने सुना होगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेप्स कल की क्लास के अंदर मैंने इसके बारे में बातचीत की थी

है ना ट्रेनों का संचालन ये सारे के सारे जो कार्य है वो इसी के शासन काल में किए गए थे और वुड डिस्पेच इसका जो सबसे का आप एक आप शिक्षा के क्षेत्र में कानून पढ़ोगे वुड यानी कि घोषणा और वुड डिस्पेच यानी कि चार्लर्स वुड नाम का एक व्यक्ति था अंग्रेज उस चार्लर्स वुड के द्वारा एक घोषणा की गई थी एक डिस्पेच प्रस्तुत किया गया था शिक्षा से संबंधित एक कानून जिसका नाम था वुड डिस्पेच तो ये जो वुड डिस्पेच है ना भाई ये शिक्षा संबंधी कानून था हमारे देश के अंदर और इसी वुड डिस्पेच के माध्यम से हमारे भारत के अंदर भारत के अंदर तीन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था जैसे कि आपने सुना होगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी ठीक है आज के टाइम आप लोग सुनते हो बॉम्बे यूनिवर्सिटी दूसरा हमारे देश में कलकत्ता यूनिवर्सिटी और तीसरा भाई साहब मद्रास यूनिवर्सिटी तो भारत के तीन बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय है ना यानी बॉम्बे विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय इन विश्वविद्यालयों की स्थापना अठारह ईस्वी में की गई थी लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछे कि इन यूनिवर्सिटी का गठन किस एक्ट के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया तो वहां पर आपका आंसर आएगा वुड डिस्पेच मेरी बात को समझ रहे हो वुडेच के तहत ही हमारे देश में बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था अठारह में और यह वुडेच अठारह सो में लागू हुआ था कानून तो कब लागू हुआ था यह डिस्पेच ये घोषणा कब की गई थी भाई अट्ठारह में और किसके शासनकाल में डालजी के काल में और इसी डिस्पेच के माध्यम से यह तीन बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे देश में स्थापित की जाती है लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई उस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल थे भाई लॉर्ड ये बात भी समझना आप लोग कौन बनेगा करोड़पति में एक बार क्वेश्चन 50 लाख रुपए का यही पूछा गया था उस शो के अंदर कि तीनों यूनिवर्सिटी किस गवर्नर जनरल के काल में स्थापित की गई है तो वहां पर आप आंसर दोगे लॉर्ड के काल में और किस कानून के तहत स्थापित की है तो वहां पर आपका आंसर है वुड डिस्पेच और वुड वुडेज के बारे में आपको बता रहा हूं तो जो लॉर्ड डलोजी नाम का गवर्नर है इसी को अर्ल ऑफ डोजी के नाम से जाना गया था ठीक है और इसका रियल नाम यानी कि जो वास्तविक नाम है ना वो था भाई जेम्स एंड्रूज रैमजे इसका रियल नाम था लॉर्ड डलोजी का ठीक है काफी इसके क्वेश्चन आपने कवर किए तो सही आंसर ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ठीक है जी नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ट्वेंटी टू अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ अंग्रेजों के द्वारा सिंध पर अधिकार कब किया गया था और किसके शासनकाल में किया गया था आपको इसके बारे में यह बताना है लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपने उस व्यक्ति का नाम बताना है उस अंग्रेज का नाम बताना है जिसके द्वारा सिंध विजय इन अंग्रेजों ने किया सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया ऑप्शन देखिएगा ए लॉर्ड एलनबरो ऑप्शन बी लॉर्ड होर्डिंगज देखो होर्डिंग नहीं है ये होर्डिंग शब्द लिखा गया यहां पे ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड या डी लॉर्ड हर्स्ट चार ऑप्शन आपके सामने हैं अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके शासनकाल में किया गया था तो इसका जो सही आंसर आएगा ना मैं आपको बता दूं अंग्रेजों के द्वारा जो सिंध विजय है ना यानी अंग्रेजों ने सिंध विजय को आंगल अफगान युद्ध के तहत मिलाया गया था जैसे कल मैंने एंग्लो के युद्ध और भी बताए थे एंग्लो मैसूर युद्ध एंग्लो नेपाल युद्ध है ना ऐसे काफी एंग्लो युद्ध हुए थे एंग्लो अफगान युद्ध यानी आंगल अफगान युद्ध आंगल बर्मा युद्ध आंगल नेपाल युद्ध आंगल मैसूर युद्ध आंगल मराठा युद्ध ये बहुत से थे तो एक युद्ध हुआ था आंगल अफगान तो अंगल अफगान युद्ध के द्वारा सन 1843 ईस्वी का समय था भाई और 1843 में ये अंग्रेज लोग इस युद्ध के दौरान ही सिंध को अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं सिंध को अपने क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं और 1843 में हमारे देश के जो गवर्नर जनरल है ना वो कौन थे वो थे लॉर्ड एलन बरो ठीक है जी लॉर्ड बरो जिसके शासनकाल में हमारे देश में रविवार की छुट्टी भी 1843 में शुरू हुई थी लॉर्ड बरो के काल में ही तो सिंध को अंग्रेजों ने कब जीता सिंध को अंग्रेजों ने कब जीता यानी ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध को कब मिलाया तो वो 1843 का समय था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल बरो थे ठीक है सिंध पर अधिकार अंग्रेजों ने 1843 में किया था सही आंसर इसका आएगा लॉर्ड बरो के समय में ठीक है तो 22 क्वेश्चन का बिल्कुल सही लॉर्ड समझ हो? एलन बरो 1842 से 1844 के मध्य तक थे ये। और इसी के काल में एंग्लो अफगान युद्ध हुए थे जिसके तहत इस सिंध को अपने अधीन कर लिया था ब्रिटिश लोगों ने ठीक है जी तो बाईसवीं क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो ए आएगा भाई नेक्स्ट देखिएगा आप लोग निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ ठीक है जी निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ डिटेल आपको दूंगा मैं इसकी अभी ऑप्शन देखिएगा ए जेम्स आउट्रम बी डब्ल्यू एच सलीमेन या सी विशप डी जनरल लॉ जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था तो उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे ये आपने बताना है तो आप लोग समझो एक बार डल होजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को शुरू किया था जिसके तहत सबसे पहले उन्होंने सतारा को अपने अधीन किया ऐसे झांसी को अठारह सौ तिरपन में अधीन किया है ना झांसी सतारा उदयपुर बुंदेलखंड काफी क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था डालोजी ने हड़प नीति के माध्यम से लेकिन जो अवध था ठीक है जो अवध यानी आज लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है जो अवध रियासत थी जिसके शासक थे वाजिद अली शाह वाजिद अली शाह का था अवध उस समय तो इस अवध क्षेत्र को अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था अवध को अंग्रेजों ने किसके तहत मिलाया था इस पर आरोप लगाया था कुशासन का आरोप लगाकर उत्तर भारत की रियासत अवध ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों ने इस पर कुशासन का आरोप लगाकर अपने अधीन किया था तो जब कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में डल ने मिलाया तो उस समय अवध का रेजिडेंट कौन थे अंग्रेज रेजिडेंट कौन था उस समय अवध में देखो मिलाने वाला मिलाने वाला तो गवर्नर जनरल कौन है अवध को, को ब्रिटिश साम्राज्य में डल किस तरीके से मिलाया कुन का आरोप लगाकर कौन राजा था तो उस समय अवध का जानते हो वाजिद अली शाह लेकिन इस वाजिद अली शाह की रियासत में उसी समय अंग्रेजों का रेजिडेंट कौन था अंग्रेजों का रेजिडेंट टाइम बता रहा हूं मैं अठारह ईस्वी का समय था तो अंग्रेजों का इस समय रेजिडेंट था भाई आउट्रम नाम का व्यक्ति आउट्रम तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उस समय अवध का अंग्रेज रेजिडेंट कौन था तो आउट्रम यानी कि जेम्स आउट्रम बिल्कुल सही आंसर आएगा 23 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई जेम्स आउट्रम। हेमंत कुमार जी ऑप्शन ए आएगा भाई इसका जेम्स आउट्रम। मेरी बात को समझ रहे हो तो जेम्स आउट्रम। इससे पहले सलीमेन नाम का व्यक्ति हुआ करता था इससे पहले सलीमेन हुआ करता था लेकिन सलीमेन के बाद बने थे जेम्स आउट्रम ठीक है सलीमेन के बाद बने थे जेम्स आउट्रम और जेम्स आउट्रम के ही काल में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था डालोजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर

उस समय जेम्स आउट्रम थे 23 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ठीक है जी नेक्स्ट देखिएगा 24 क्वेश्चन भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी तो ये गवर्नर जनरल कौन थे वे उस समय जब हमारे देश में पहली बार ट्रेनों का संचालन किया गया था बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ऑप्शन आपके सामने है ए डलौजी बी कर्जन सी वैलेसली या डी लिटन ठीक है हमारे देश में पहली रेल लाइन किसकी शासनकाल में बिछाई गई थी आपका आंसर इसमें क्या होगा आप लोग सभी कमेंट कर सकते हो ट्वेंटी फोर क्वेश्चन का जी सभी आंसर देना इसका तो भैया बिल्कुल ही आंसर है डालोजी आएगा लॉर्ड डोजी के काल में हमारे देश में सोलह अप्रैल अठारह ईस्वी को सोलह अप्रैल अठारह ईस्वी को मुंबई से थाने के मध्य पहली ट्रेन चली थी ठीक है 16 अप्रैल अठारह ईस्वी को मुंबई से थाने के मध्य भारत में पहली ट्रेन चली थी और कितने किलोमीटर अंतराल में चली थी तो वहां पर 34, यानी 34 किलोमीटर अंतराल में जी बिल्कुल 34 किलोमीटर अंतराल में हिंदुस्तान में पहली ट्रेन चली थी 34 किलोमीटर अंतराल में बॉम्बे से थाने के मध्य महाराष्ट्र में 16 अप्रैल अठारह को अब आपसे पूछ लेते हैं कि यह ट्रेन किस कंपनी के द्वारा चलाई गई थी शासनकाल तो किसका है लार्ड डालोजी का लोकेशन समझ गए लेंथ आपको याद है है ना लेकिन किस कंपनी के द्वारा चलाई गई थी तो उस कंपनी का नाम था इंडियन इंडियन पैन इनस्योलर ठीक है कंपनी इंडियन पैन इनसोलर कंपनी इसके द्वारा यह पहली बार हमारे देश में ट्रेन चली थी इंडियन पैन इनसेर कंपनी के द्वारा लेकिन ध्यान रहे भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन विद्युत ट्रेन वो 1925 में चली थी मुंबई से कुरला के मध्य महाराष्ट्र में और उस समय वाइस राय थे भारत के लॉर्ड रीडिंग नाम का लॉर्ड रीडिंग जो कि हिंदुस्तान का पहला और एकमात्र यहूदी वाइस राय था यहूदी धर्म के थे लॉर्ड रीडिंग यहूदी धर्म के थे जिसके काल में 1925 में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी लेकिन आपसे पूछे भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब और किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ तो भारतीय रेलवे बोर्ड जो आज आप लोग देखते हो भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन उन्नीस में किया गया था लॉर्ड कर्जन इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे ठीक है भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के शासनकाल में और वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड आप लोग जानते हो करंट में क्योंकि हाल ही में नया पद जुड़ा है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ठीक है तो जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वही हाल ही हाली में सीईओ है यानी कि विनोद कुमार यादव वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ है ठीक है विनोद कुमार यादव और चेयरमैन भी वही है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने सभी ने कमेंट किया है तो डलोजीज का बिल्कुल सही आंसर आएगा किस कंपनी के द्वारा चलाई गई थी तो इंडियन पेनिनसुलर कंपनी ठीक है या ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी भी इसको बोल सकते हो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी या पेनिनसुलर कंपनी इस कंपनी के द्वारा पहली बार देश में ट्रेन चलाई गई थी 1853 में तो ऐसे काफी क्वेश्चन बनते हैं दोनों के लेकिन मेट्रो ट्रेन है वो ध्यान रहे वो अंग्रेजों के शासन काल में नहीं चली था आप लोग जानते हो 1984 में पहली बार मेट्रो चली थी कलकत्ता के अंदर 1984 में है हाँ ना दिल्ली मेट्रो की अगर बात करें तो डीएमआरसी का गठन तो उन्नीस में भी में किया गया था दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरेशन जिसके एमडी मंगू सिंह हैं तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरेशन का गठन तो उन्नीस में भी में किया गया था लेकिन दिल्ली में पहली बार मेट्रो दिसंबर 2002 में तीस हजारी से सहादरा के मध्य चली थी ठीक है तीस हजारी से साहदरा के मध्य तो दिल्ली मेट्रो है ना और आजकल तो भारत के काफी शहर में मेट्रो है तो ये अपना एक टॉपिक अलग हो जाता है खैर आप लोग इसका आंसर दे चुके हो लॉ डालोजी नेक्स्ट देखिएगा भाई ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आप समझना ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ यानी किसके काल में अंग्रेजों ने हमारे देश में काफी क्षेत्रों को अपने अधीन किया काफी क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया और काफी गवर्नर जनरल और वाइस राय विस्तार करते गए करते गए लेकिन ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसके काल में अंतिम बार भारत का विस्तार हुआ उसके बाद अंग्रेज लोग भारत में विस्तार नहीं कर पाए क्वेश्चन को समझना पहले तो अच्छे से ऑप्शन तो बहुत दूर की बात है क्वेश्चन को समझ लो क्या पूछा गया है यानी ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ ऐसा कौन सा वायसराय या गवर्नर थे जिसके काल में भारत का विस्तार हुआ और उसके बाद भारत का विस्तार कोई गवर्नर या वायसराय कर ही नहीं पाए लास्ट कौन था वो जिसके काल में अंतिम बार भारत के अंदर उन्होंने अपना विस्तार किया अपना जमावड़ा फैलाया एज ए तो समझ रहे हो आप लोग क्वेश्चन अब देखो ऑप्शन ए डफरिन बी डलोजी सी लिटन या डी कर्जन तो इसका सही आंसर क्या आएगा वो आपने कमेंट करना है तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई वो आएगा लॉर्ड डफरिन ठीक है लॉर्ड डफरिन जिसके शासन काल में भारतीय कांग्रेस का गठन भी किया गया था कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर अठारह को डफरिन वाइसराय के काल में की गई थी ठीक है तो अंतिम विस्तार भारत में अंग्रेजों ने डफरिन के काल में किया गया था यानी कि आपने सुनाओगे थर्ड आंगल बर्मा युद्ध तृतीय आंगल बर्मा युद्ध अठारह में हुआ था ठीक है और जो अठारह में तृतीय आंगल बर्मा युद्ध हुआ था अंग्रेज लोग बर्मा को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं इसके कुछ समय बाद मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो थर्ड आंगल बर्मा युद्ध अभी तो हमने आंगल अफगान युद्ध समझे थे थोड़े से ठीक है एक होता है आंगल बर्मा युद्ध तो ये थर्ड आंगल बर्मा युद्ध हुआ था अठारह में थर्ड आंगल बर्मा युद्ध हुआ था यानी अंग्रेज और बर्मा के मध्य थर्ड आंगल बर्मा युद्ध हुआ था अठारह में और इस युद्ध के बाद ये अंग्रेज क्या करते हैं सन अठारह अधिकार कर लेते हैं बर्मा को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं अपना विस्तार बर्मा में भी अंग्रेज लोग कर डालते हैं इस समय फाइनल अठारह में और अठारह में कौन है भाई अठारह में डरीन नाम का मेरी बात को समझ रहे हो ना 1886 में डफरिन है और इसके बाद जितने वायसराय या, गवर... या गवर्नर वायसराय आए या गवर्नर आए ठीक है इसके बाद जो भी वायसराय आए ना वो भारत के कोई भी क्षेत्र को अपने अधीन नहीं कर पाए थे डफरिन के बाद कोई भी ऐसा अंग्रेज गवर्नर वायसराय नहीं था जो हिंदुस्तान के क्षेत्रों पर अपना विस्तार स्थापित कर रहा है कोई नहीं था लास्ट डफरिन था ये ध्यान रहे और डफरिन ने अंतिम बार किस माध्यम से अपने साम्राज्य के अंदर भारतीय क्षेत्र को अंडर किया तो आंगल बर्मा युद्ध अठारह का हुआ था थर्ड आंगल बर्मा युद्ध में हुआ और इस युद्ध के बाद अठारह में बर्मा को ये अपने अधीन कर लेते हैं तो डफरिन का शासन काल था इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डफरिन समझ रहे हो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था इसका सही आंसर आएगा लॉर्ड डफरिन समझ रहे हो ना अब जो ये बर्मा है आज हमारे हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है तो तो सन 1935 अधिनियम के तहत सन 1935 का जो एक था आपने पढ़ा है 1935 का भारत शासन अधिनियम इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और बर्मा भारत से फाइनल अलग कब हुआ नाइनटीन यानी कि उन्नीस देखो दो समय यहां पर मैं यूज कर रहा हूं बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया तो 1935 के एक्ट के तहत अलग कब हुआ सैंतीस में पहले एक्ट बनता है पहले कानून बनता है उसके बाद घटना जो आप लोग देख रहे हो तो 1935 एक्ट के तहत बर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया ठीक है और इस पर फिर से अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित किया अंग्रेजों का ही गुलाम था बर्मा उसके बाद भी इसी बर्मा को अंग्रेज आजादी स्वतंत्रता कब देकर जाती है चार जनवरी ठीक है चार जनवरी सन 1948, 1948 को चार जनवरी 1948 को बर्मा अंग्रेजों से आजाद होता है ब्रिटेन से आजाद होता है और आज प्रतिवर्ष चार जनवरी को बर्मा अपना आजादी दिवस मनाता है क्योंकि बर्मा को चार जनवरी 1948 को आजादी मिली थी अंग्रेजों से और बर्मा आज हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है एक अपना अलग से कंट्री है हिंदुस्तान का स्थलीय पड़ोसी देश है बर्मा ठीक है समझ रहे हो विन मिंत नाम का राष्ट्रपति है विन मिंत नाम का का वर्तमान में बर्मा राष्ट्रपति है यह वीडियो में 23 दिसंबर 2020 को बना रहा हूं तो आज की तारीख की बात कर रहा हूं विन मिन्त। विन मिंत मिंत नाम का व्यक्ति यह बर्मा का वर्तमान में प्रेसिडेंट है ठीक है लेकिन इसमें एक महिला राजनीतिक है जो खूब प्रसिद्ध है जिसको नोबल पुरस्कार भी मिला है आप लोग जानते हो गए शायद आंग सान सूची जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ाई करके गई है तो आंग सान सूची नोबल पुरस्कार विजेता है पीस के अंदर तो बर्मा की एक प्रसिद्ध राजनीतिक महिला है आंग सान सूची ठीक है तो समझ रहे हो ना ऐसे आप लोग इनका याद कर सकते हो बर्मा के बारे में मैंने आपको बताया तो अंतिम कौन था भाई अब क्वेश्चन के ऊपर आप आराम से फोकस करोगे तो इसका आंसर मेरे हिसाब से कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम हॉल में आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो आंसर दे पाओगे ठीक है जी तो सही आंसर डफरिन बिल्कुल सही आंसर डफरिन के काल में कांग्रेस का भी गठन हुआ था यह भी ध्यान रखना आप लोग ठीक है नेक्स्ट देखो ट्वेंटी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ठीक है पी डब्ल्यू डी को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे समझ रहे हो मेरी बात पी डब्ल्यू डी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के मध्य स्वरूप देने वाले कौन थे तो कमेंट करना आपने इसका आंसर क्या होगा सार्वजनिक विभाग की स्थापना किसने की थी आपके सिंपल लाइन भी बनके ऐसी आ सकती है तो सार्वजनिक विभाग की स्थापना किसने की थी यह लाइन तो आपने पढ़ी होगी तो इसका आंसर आप दे सकते हो कमेंट करना ऑप्शन ए देखो जी, बी लॉर्ड कार्नवालिस सी जॉर्ज ऑकलैंड या डी वॉरेन हेस्टिंग्स पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट सार्वजनिक विभाग की स्थापना किसने की थी आपने आंसर देना है ठीक है तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई वो आएगा लॉर्ड डालोजी बिल्कुल सही आंसर है अमित राव गणेश कुंडू बिल्कुल सही आंसर लॉर्ड डालोजी इसका सही आंसर आएगा सुनते हो ना सार्वजनिक विभाग की स्थापना ठीक है तो डाली ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को एक मेन स्वरूप प्रदान किया था ठीक है ये ध्यान रखना जी डालोजी इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन फोकस करना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर भी देने की कोशिश करना क्वेश्चन है आपके सामने एक नवंबर अठारह को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था यानी कौन व्यक्ति था जिसने अठारह की क्रांति के बाद जब अट्ठारह का एक्ट बना और उस एक्ट के बाद एक नवंबर अठारह को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था वो किसके द्वारा सुनाया गया था टॉस करो माइंड में इस दौरान गवर्नर कौन थे भारत के ऑप्शन लॉर्ड विलियम बैंटिंग बी लॉर्ड कैनिंग सी लॉर्ड बर्नहम ऑप्शन डी सर हरकोट बटलर किसने सुनाया था ठीक है तो ये बिल्कुल आप लोग सही कमेंट करना आंसर क्योंकि काफी बार मैंने क्लासों में भी आपको बताया था जो स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं ठीक है और अभी आप किन के बारे में डिटेल भी मैं दे दूंगा तो इसका सही आंसर क्या आएगा वो आपने बताना है ठीक है महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पत्र एक नवंबर अठारह को किसके द्वारा पढ़कर सुनाया गया था कई बार पूछती है कहां पे सुनाया गया तो सुनाया कहां पे पढ़ के सुनाया था भाई यहां तक भी क्वेश्चन कई बार एसएससी में हमें देखे हैं तो इलाहाबाद के अंदर ये घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था महारानी विक्टोरिया का लोकेशन तो इलाहाबाद लेकिन आपसे पूछे इलाहाबाद में किसने पढ़ के सुनाया तो भाई वो आंसर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग ठीक है लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर आएगा अरे अट्ठारह की बात कर रहे हैं भाई तो अठारह में कौन है वाइस राय में भारत के वाइस लॉर्ड कैनिंग ही तो है समझ रहे हो ना लॉर्ड कैनिंग हमारे देश के गवर्नर जनरल थे 1856 से लेकर 1858 तक लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल और 1858 से लेकर अठारह तक ये कैनिंग थे भारत के वाइस राय हिंदुस्तान के पहले वाइस राय कौन है लॉर्ड कैनिंग है समझ रहे हो तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइस थे और अठारह की क्रांति भी इसी के शासनकाल में हुई थी लेकिन एक नवंबर अठारह को जो महारानी का पत्र आया महारानी महारानी का मारानी का जो उद्घोषणा पत्र था वो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था एक नवंबर अठारह को तो किसके द्वारा पढ़कर सुनाया गया था तो उसका सयानसोर लॉर्ड केन्निंग आएगा अब समय देख लो ना अठारह का समय पूछा गया तो इस समय भाई यही है वाइस राय लॉर्ड केन्निंग इस समय गवर्नर जनरल ली थी अट्ठारह में ये इस समय वाइस थे अट्ठारह सौ एक्ट के तहत तो गवर्नर जनरल राय पद के रूप में सर्जित हुआ था ठीक है तो सही आंसर इसका लॉर्ड कैनिंग आएगा बिल्कुल आंसर ठीक है जी 27 क्वेश्चन का लोकेशन भी कई बार पूछ लेते कहां पे पढ़ के सुनाया गया था तो इलाहाबाद आप ऐसे भी याद कर सकते हो इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था एस में आया हुआ क्वेश्चन है कहां पे पढ़ के सुनाया गया था कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा गया है कहां पे पढ़ के सुनाया गया था और इस टाइप के क्वेश्चन में एक दिन ऑनलाइन में वो सेम उसी का कॉपी में आपके सामने स्लाइड के रूप में दिखाया भी था सेम क्वेश्चन इलाहाबाद वाला केवीसी में पूछा गया था पचास लाख वाला और आपको स्क्रीन पर एक बार मैंने दिखाया भी था क्वेश्चन कि इस टाइप से क्वेश्चन ये पूछा गया था ठीक है तो लोकेशन का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि कहां पे पढ़ के सुनाया था या किसके द्वारा पढ़ के सुनाया गया था या किसका उद्घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया गया था या कब पढ़ के सुनाया गया था बहुत से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है थीके? तो समझ रहे हो ना नेक्स्ट देखना ट्वेंटी एट क्वेश्चन देखना भाई अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था देखो क्वेश्चन समझो तुम मैंना है ना सबसे मेन पॉइंट है इन क्वेश्चन को समझा कर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अगर आप अच्छी समझ की चीजों को पढ़ के आयो तो आंसर दे सकते हो क्वेश्चन माइंड में पहले सेट करो क्या पूछा जा रहा है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था ठीक है देखो हमारे देश में हड़प नीति लागू हुई थी तो उस समय एक आपने देखोगे ना एक ये लाइन भी आपने पढ़ी होगी बुक्स के अंदर या आपने जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके मैंने तो उनको पूरे डिटेल से पढ़ा भी रखा कैसे कैसे क्या घटना हुई थी तो उसमें कहा था कि अगर कोई भी राजा है और उस राजा के पुत्र की डेथ हो जाती है और कुछ समय बाद मान लो राजा की भी डेथ हो जाती है तो राजा के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा उसका बेटा बनेगा लेकिन उसका बेटा तो है नहीं कोई संतान नहीं है उसके तो उस समय क्या होता था जो एक तरह से राजा उत्तराधिकारी बनेगा राजा का कोई भी रानी या महारानी या मान लो राजमाता जो भी महल में है वो एक पुत्र को गोद लेकर गद्दी ग्रहण करवा देते थे लेकिन अंग्रेजों ने क्या बैन कर दिया कि गोद लेकर बच्चे को नहीं बैठा सकते ठीक है अगर सगा पुत्र है तो बैठाओ राजा के मरने के बाद अगर तुम्हारा उत्तराधिकारी सगा बेटा है तो राजा का सगा बेटा तो उसको उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठाओ अन्यथा गोद लेकर भी बच्चे को आप लोग नहीं बैठा सकते अब रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ जो आप लोग रानी लक्ष्मीबाई जी की घटना पढ़ते हो अठारह में जैसे कि पढ़ाया आपने तो ये सारी चीज़ें क्या थी घटना यही तो थी आपने हड़प नित्य पढ़ाया ना डॉक्टर ऑफ लैब्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है तो उसमें आपको डिटेल दी थी कि रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी अट्ठारह में झांसी के नरेश उनके साथ उनका विवाह हुआ था लेकिन कुछ समय बाद उनका जो पुत्र हुआ दामोदर उनका डेथ हो गया था और अठारह में लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे गंगाधर राव गंगाधर राव उनका भी डेथ हो गया था अब ना तो लक्ष्मी बाई का सगा पुत्र है दामोदर उनका भी डेथ हो चुका है ना एक तरह से झांसी का नरेश है तो रानी लक्ष्मीबाई अब सिंहासन खाली है तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था एक लड़के को गोद लिया था जिसका नाम था आनंद राव और आनंद राव लड़के को गोद लेकर उसको झांसी के सिंहासन पर बैठा दिया था और उसी आनंद राव को बाद में दामोदर के नाम से जाना गया यानी रियल बेटा जहाँ उसका नाम दामोदर था लेकिन जो गोद लिया था ना उसका नाम भी दामोदर ही रखा था लक्ष्मी बाई ने लेकिन बाद में अंग्रेजों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था और जो घटना हुई आपको मैंने से, थी प्रथा थी मतलब गोद लेकर बच्चे को आप लोग नहीं नहीं बैठा सकते मतलब कि प्रथा कहेंगे गोद लेकर आप बच्चे को राजगद्दी पर नहीं बैठा सकते ये अंग्रेजों ने लागू किया था बट इस सिस्टम को समाप्त किसने किया ये पूछा है क्वेश्चन में समझे मेरा मतलब तो अब देखो आप लोग क्वेश्चन पुनः स्थापित किसने किया ठीक है गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया यानी गोद लेकर बच्चे को तुम गद्दी पर बैठा सकते हो भाई तो देखो अठारह के भारत सरकार के अधिनियम ने या लॉर्ड कैनिंग ने अठारह सो में सनद के जारी किए जाने से या अठारह सो अठावन की सम्राज्य की घोषणा ने सही आंसर क्या होगा वो आपने देना है तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई कमेंट करो आप जल्दी से आप लोग मैंने आपको क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन दे दिया क्वेश्चन में क्या पूछा गया पूरी डिटेल दिए मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को और ज्यादा तो अब आराम से आप लोग आंसर दे सकते हो इसका आंसर क्या आएगा नहीं भाई लोड कैनिंग तो बिल्कुल ही नहीं आएगा ठीक है इसका जो सही आंसर आएगा ना वो ऑप्शन डी अट्ठारह की सम्राज्ञी की घोषणा ने ठीक है एक नवंबर अठारह को इलाहाबाद में एक दरबार लगा था मैंने अभी बताया था एक नवंबर अठारह को और उस दरबार में इलाहाबाद के दरबार में महारानी की उद्घोषणा को किसने पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने और इसी उद्घोषणा में इसी महारानी की उद्घोषणा में साम्राज्ञी की घोषणा में अठारह में जो एक नवंबर अठारह को महारानी की घोषणा कैनिंग ने की थी ना इसी घोषणा के चिट्ठे में लिखा हुआ था कि आप गोद लेकर भी बच्चे को राजगद्दी पर पुनः स्थापित कर सकते हो बैठा सकते हो ठीक है तो समझ रहे हो ना तो ये इसका जो सही आंसर आएगा ना वो अठारह की सम्राज्ञी की घोषणा ने ये अधिकार दिया था पुनः की गोद लेकर भी आप अपने पुत्र को राजगद्दी सिंहासन पर विराज कर सकते हो विराजमान कर सकते हो ठीक है जी समझ रहे हो तो ऐसे याद करना आप लोग तो देखो आप सबने हड़प नीति पढ़ा है सबने पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन है ना एग्जाम में किसी भी टाइप से घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकते हैं और इसीलिए हमेशा कहता हूं हमारी टैग लाइन है कि जो भी चीजें पढ़ो आप लोग उनको समझ के पढ़ो डिटेल से पढ़ो रटो मत चीजों को रट्टा मत रट्टा मारो उनमें रट्टा मारोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि रट्टा मार के गए आप लोग अलग चीजें और एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस माइनस होके आ गया तो वहां पर आप लोग कहोगे क्वेश्चन हार्ड आ गया ऐसा कहोगे वहां पर फिर आप तो इन चीजों को समझ के कवर करना आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर डिटेल में चीजों को पढ़ा है तो आंसर दे पाओगे अन्यथा तो भाई अलग पॉइंट है जैसे भी आप पढ़ते हो रटना मत कहने का मतलब यह चीजों को कभी भी रट्टा मार के मत कवर करना नहीं तो भूल जाओगे जल्दी भूल जाओगे को और ज्यादा दिन याद भी नहीं रह पाएंगे समझ के पढ़ोगे तो अच्छे से याद भी हो पाएगी नेक्स्ट देखना ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राजी नियुक्त किया गया यानी कब नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राजी सम्राट का स्त्रीलिंग है सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी ऑप्शन देखिएगा अठारह में बी अठारह सी अठारह या डी अठारह 1858 पिचासी एटीन फिफ्टी एट एटीन सेवनटी सिक्स एटीन सेवनटी सेवन एटीन एट्टी फाइव सही आंसर क्या आएगा भाई सही आंसर क्या आएगा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था तो इसका जो सही आंसर है वो आपने बताना है ठीक है तो उपाधि अधिनियम तो जो लागू हुआ था अठारह में राजशाही अधिनियम भी आप लोग बोल सकते हो 1876 में एक राजशाही अधिनियम लागू हुआ था और इस अधिनियम के तहत ही महारानी विक्टोरिया को 1877 में 1877 में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था तो राजशाही अधिनियम तो कब लागू हुआ था अठारह में और इस अठारह के राजशाही अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राजी घोषित किया था 1877 में तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो 1877 आएगा, 1877 आएगा इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा एक जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था दिल्ली दरबार में बिल्कुल अमित राव जी सही बोल रहे हो ठीक है एक जनवरी अठारह ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत घोषित किया था दिल्ली दरबार में राजशाही अधिनियम कब लागू हुआ था अठारह और महारानी को भारत की सम्राजी कब घोषित किया गया था एक जनवरी को तो ये चीजें आप लोग समझना ठीक है जी तो क्लियर हो जाएगा आपका सही आंसर 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा ठीक है जी नेक्स्ट देखिएगा 30 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था ठीक है कल हमने एक ठगी प्रथा की बात की थी सती प्रथा की बात की थी ऐसे एक दास प्रथा का पॉइंट यहां पे आया है तो किस अंग्रेज गवर्नर या गवर्नर जनरल या वाइस राय किसके शासनकाल में दास प्रथा का एंड था भारत में समाप्त हुई थी ऑप्शन देखिएगा ए लॉर्ड कार्नवालिस बी लॉर्ड एलनब्रो सी लॉर्ड विलियम बैंटिंग डी सर जॉन सौर दास प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी दास प्रथा ठीक है तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई वो आएगा लॉर्ड बरो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आएगा 1843 के अंदर एक्ट फाइव के तहत ठीक है 1843 में एक्ट फाइव के तहत 1843 में एक्ट फाइव के तहत हमारे देश में जो ये दास प्रथा थी इस दास प्रथा को फाइनल एक तरह से इसका दि एंड कर दिया जाता है सन 1843 में एक्ट अधिनियम पांच के तहत 1843 के अधिनियम पांच के तहत ध्यान रहे दास प्रथा को भारत में खत्म किया गया था और इस समय किसका शासन काल है एलन बरो का शासन काल है एलन बरो अभी मैंने बताया था एलन बरो के बारे में एलन बरो का इस समय शासनकाल था एलन बरो का जो अठारह से चौवालीस तक रहे थे है ना संडे की छुट्टी एलन बरो के शासनकाल में अंगल अफगान युद्ध जो हुआ था है ना वो मैंने बताया था सिंध जो अंग्रेजों ने अपने अंडर में किया था सिंध को अपने साम्राज्य में अंग्रेजों ने मिलाया था वो भी एलन बरो के काल में मिलाया था अठारह में दास प्रथा का अंत भी एलन बरो के काल में हुआ था अठारह में तो एक गवर्नर के शासन काल में कई घटना कई कार्य आप लोग सुनोगे और यही क्वेश्चन में आप लोग को ज्यादातर एस एस सी पूछती है कि, कि किसके शासन काल में कौन कौन से कार्य किए गए थे तो ऑप्शन में आपको कार्य मिल सकते है स्टेटमेंट में कार्य मिल सकती है घटना मिल सकती है बताइए किसके काल में किए गए है ना या कुछ एक्स्ट्रा और भी विशेषता पूछ सकते हैं तो आप लोग इनको याद किया करो कौन के काल में कौन कौन कार्य किए जा रहे हैं तो दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन ब्रो के काल में इसका बिल्कुल आएगा अठारह के एक्ट फाइव के द्वारा लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था एलन बरो बिल्कुल सी आंसर ठीक है जी नेक्स्ट देखिएगा थर्टी फर्स्ट देखना भाई निमिन युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है ठीक है इसमें तीन गलत दिए गए हैं और एक इसमें सही दिया गया है तो आपने क्या करना है सही छाटना है ऑप्शन ए लॉर्ड कानवालिस बराबर दिया गया परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थाई बंदोबस्त बी लॉर्ड वैलिजली पूर्ण निष्क्रियता सी लॉर्ड डालोजी सहायक संधि डी लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग इसका आंसर दे सकते हो और बिल्कुल आपको नीचे वाले पोर्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है और सभी आंसर इसका आप लोग कवर कर सकते हो कमेंट कर सकते हो कौन सा सही सुमेलित पूछा गया तो भाई साहब बिल्कुल सही लिखा गया लॉर्ड कार्नवालिस कार्नवालिस ने ने परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं तो लागू किया था बंगाल में सत्रह में समझ रहे हो मेरी बात को सत्रह में, में बंगाल में ही स्थाई बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कार्नवालिस के शासन काल में बंगाल स्थाई बंदोबस्त ठीक है तो सही आंसर सही छाटना था इसमें तो कार्नवालिस बिल्कुल सही आंसर आएगा ठीक है एक इसमें दिया गया है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता यानी कुशल एक की नीति जॉन्स जॉन लॉरेंस के द्वारा शुरू हुई थी जॉन लॉरेंस के द्वारा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता जो ये नीति थी ये जॉन लॉरेंस के द्वारा हुई थी जॉन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किसने शुरू की थी जॉन लॉरेंस ने ठीक है आया वो क्वेश्चन पूर्ण निष्क्रियता की नीति किसके शासन काल की है तो जॉन लॉरेंस दूसरा यहां पर क्या दिया गया था डालोजी तो डालोजी सहायक संधि थोड़ी ना करता है सहायक संधि तो सबसे पहले यूरोपियन कौन था जो सहायक संधि देश में लागू करता है वो डुपले था फ्रांसीसी गवर्नर था डुपले लेकिन अंग्रेजों में सहायक संधि कौन एक तरह से आगे लेके जाता है कौन शुरू करता है वेलेजली था तो ये भी यहां पे गलत दिखाया गया और के काल में कांग्रेस नहीं बनी थी भाई साहब कांग्रेस तो बनी थी डरिन के काल में ठीक है अट्ठाईस थे संस्थापक थे और पहले महासचिव भी ए ओ हयूम थे पहला सेशन कांग्रेस का अठारह में बॉम्बे के अंदर किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका गठन हुआ था और कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि ईसाई धर्म के थे तो स्पेशल टॉपिक है कांग्रेस के हम लेके आएंगे ऐतिहासिक पॉइंट ऐतिहासिक फैक्ट कांग्रेस के बारे में भी कवर करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट बिल्कुल सही जोड़ा यहां पर ऑप्शन ए था बाकी गलत ऑप्शन दिखाए गए थे ठीक है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जॉन लॉरेंस की बात मैंने बता दी है बाकी के तो आप लोग जानते होंगे किसके काल में कौन सी घटना हुई थी थर्टी टू क्वेश्चन देखना भाई स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था बिल्कुल अभी अभी देखो अभी सेम वही क्वेश्चन है ठीक है तो इसका जो सही आंसर आएगा वो लॉर्ड कार्नवालिस आएगा परमानेंट सेटलमेंट एन अनुपात का जो आपने मैंने बताया था इसका डिटेल परमानेंट सेटलमेंट तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था सत्रह सो छियासी का जो अधिनियम आया था ना अंग्रेजों का वो कार्नवालिस को मनाने के लिए ही अधिनियम था मेनली सत्रह सो छियासी का जो एक्ट था कार्नवालिस को मनाने के लिए था वो मेनली ठीक है लॉर्ड कार्नवालिस भारत में सिविल सर्विस का शुरुआत पुलिस प्रशासन का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है ठीक है और लॉर्ड कार्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था स्थाई बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट स्थाई बंदोबस्त को हम लोग सूर्य आस्त प्रणाली के नाम से भी जानते हैं सूर्य आस्त प्रणाली सूर्य अस्त से पहले पहले वो टैक्स का आना पड़ता था सूर्यास्त प्रणाली परमानेंट सेटलमेंट को ही कहा जाता है ठीक है सत्रह का जो अधिनियम है वो कार्नवालिस को मनाने के लिए लाया गया था ठीक है ध्यान रहे मैंने कहा सत्रह का अधिनियम कार्नवालिस को मनाने के लिए लाया गया था मैंने ये पॉइंट किया भाई ठीक है तो अमित राव जी समझना एक बार नेक्स्ट देखो भाई थर्टी थ्री क्वेश्चन किया गया था को कब समाप्त किया गया था कल के सेशन के अंदर भी मैंने पेशवा के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था बसीन की संधि मैंने आपको बताई थी ठीक है तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया था इसका आपने आंसर देना है पेशवा की गद्दी को कब समाप्त किया गया था ऑप्शन है 1858, बी 1818, 1861, 1802, वन 1818, जीरो टू अट्ठारह सो अट्ठावन अठारह एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था और उस तीसरा आंगल मराठा युद्ध के बाद पेशवाई सिस्टम हमारे देश में फाइनल समाप्त हो गया था आंगल मराठा युद्ध के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम के एक गवर्नर जनरल था भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम का गवर्नर जनरल था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में फाइनल रूप से पेशवाई जो है ना वह हमारे देश में 1818 में समाप्त हो गई थी पेशवाई सिस्टम भारत में मराठों में फाइनल कब समाप्त हुआ भाई 1818 में लेकिन लेकिन ध्यान रहे जो पेशवा अंतिम था कौन बाजीराव द्वितीय यानी कि बाजीराव सेकंड बसीन की संधि की थी उसने बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों के साथ और बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत मराठा को अपने अधीन कर लिया था तो मराठा का कौन सा पेशवा था जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला पहला पेशवा है तो बाजीराव सेकंड पहला पेशवा था सहायक संधि करने वाला और 1802 में बस इनके संधि अंग्रेज और पेशवा के मध्य हुई थी वो हमने कल की क्लास में कवर किया था लेकिन पेशवाई सिस्टम को फाइनल कब खत्म किया जा रहा है तो उसका सही आंसर आएगा सन 1818। ठीक है जी 1818 बिल्कुल सही आंसर आएगा मराठा पेशवाई सिस्टम फाइनल 1818 में समाप्त हो गया था ठीक है थ्री क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देसी रियासतों के के साथ वर्ष 1817 और 18 अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी निम्नलिखित में से किसने राजपुताने की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 सो की अधीनस्था की संधि की थी ठीक है ऑप्शन डेविड ऑक्टरलोनी चार्ल्स मैटकॉफ आर्थर वैलिजली या जॉन जॉर्ज ठीक है 1817 और 18 के दौर में राजपुताना की देसी रियासतों के साथ किस अंग्रेज के द्वारा संधि की गई थी सही आंसर आपने देना है और वार्ता किसके द्वारा किसकी मध्यस्थता यहां पर हुई थी राजपुताना और अंग्रेजों के साथ जो वार्ता हो रही थी उसमें अंग्रेज कौन था जो मेडिटर था जो मध्यस्था करने वाला था जो बिचौलिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में यह घटना हो रही है भाई वार्ता राजपूत और अंग्रेजों के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हो रही है लेकिन हेस्टिंग्स मध्यस्था करने वाले नहीं थे हेस्टिंग्स का उस समय शासनकाल है ओनली तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में कौन अंग्रेज था जो राजपुताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठा तो इनके साथ भी मध्यस्थता करके आया था तो राजपुताना के साथ कौन मध्यस्थता कर रहा है यहाँ पे आपने ऑप्शन ये देना है ठीक है तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई वो आएगा चार्ल्स मैटकॉफ ऑप्शन बी चार्ल्स मैटकॉफ तो बाद में जाके हमारे देश के गवर्नर जनरल भी बने थे चार्ल्स मैटकॉफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को ही कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉप को कहा जाता है और इसी चार्ल्स मैटकॉप ने 1817 और 18 के के दौर में लॉर्ड हेस्टिंग्स काल में सत्रह और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी उसमें मध्यस्थता का काम किया था मैटकॉप ने और इस समय चार्ल्स मैटकॉप दिल्ली के रेजिडेंट हुआ करते थे दिल्ली के रेजिडेंट ये इस समय चार्ल्स इस समय गवर्नर जनरल नहीं थे इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकिन चार्ल्स मैटकॉप जो वार्ता करने वाला है वो इस समय दिल्ली के रेजिडेंट के पद पर कार्य थे ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना वो चार्ल्स मैटकॉप आएगा गवर्नर जनरल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको तीन पार्टों में गवर्नर जनरल करवाए जाएंगे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश होगा आपने गवर्नर जनरल काफी पढ़े हो गए और उनके क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोग इन तीनों पार्ट को आराम से देख सकते हो और इनसे आप लोग नॉलेज ले सकते हो एग्जाम हॉल में गवर्नर जनरल के क्वेश्चन आएंगे तो भाई जो ये तीन पार्ट अगर आपने अच्छे से इनको समझा अच्छे से पढ़ा है तो मेरे हिसाब से गवर्नर जनरल के क्वेश्चन आप लोग कभी भी इन फ्यूचर टाइम में गलत नहीं कर पाओगे ठीक है क्योंकि इनमें जो मेन मेन गवर्नर जनरल है उनके सारे के डाटा मैंने इनके अंदर तीन पार्टों के अंदर डाले हैं ठीक है थीके? तो इनको अच्छे से समझना जो स्टूडेंट पहली बार अभी हमारे ग्रुप पर है हमारे चैनल पर है तो आप लोग फर्स्ट वीडियो भी देखना गवर्नर जनरल की पार्ट फर्स्ट उस वीडियो को देखना उसके बाद सेकंड वीडियो ये आपके सामने चली रही है और इसका थर्ड पार्ट भी हमारे पास जल्दी आएगा आपको मैं जल्दी थर्ड पार्ट भी करवाऊंगा करवाऊँगा तीन पार्टों तो के अंदर हम गवर्नर जनरल को कवर करेंगे तीन या चार पार्ट भी हो सकते हैं ठीक है क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो जितने पार्ट गवर्नर जनरल के मैं करवाऊँ ठीक है आप सभी पार्ट को ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ के पढ़ना गवर्नर जनरल के क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाओगे और मेन क्वेश्चन गवर्नर जनरल की काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे अब जहां तक स्टूडेंट ने हमें बताया है, करजन का क्वेश्चन लॉर्ड लिन लिथगो के क्वेश्चन लिन लिथगो के तो दो क्वेश्चन पूछे गए थे है ना करजन का एक क्वेश्चन बंगाल विभाजन वाला पूछा गया था और ऐसे भी काफी क्वेश्चन गवर्नर के आए हो तो आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल वायस और गवर्नर बंगाल के जो थे उनके क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग इनको अच्छे से समझना और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो भाई हमारे चैनल को भी आपको भी देख सकते हो वहां से भी आप लोग नॉलेज ग्रहण कर सकते हो एक साल की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश हर मंथ के मैंने ग्रुप चैनल पर डाल रखे है आप लोग वहां पर भी उन वीडियो को देखकर करंट अफेयर्स भी क्लियर कर सकते हो ऐसे काफी सीरीज करंट अफेयर्स की हमारी है पंद्रह सोलह सीरीज में करंट अफेयर्स की करवा करवा चुका हूं और आगे की सीरीज भी हमारी जारी है तो कुछ समय बाद आपके पास नेक्स्ट करंट अफेयर्स की सीरीज भी आने वाली है तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ना नॉलेज के लिए पढ़ना अपने एग्जाम हॉल में आपको काफ़ी फायदा वहां पर मिलेगा अगर आप समझ के चीजों को पढ़ रहे हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई थर्टी फाइव क्वेश्चन देखना भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई सिंपल क्वेश्चन है वैसे आंसर दे सकते हो सभी कमेंट करना ऑप्शन ए लॉर्ड अफरीन कार्यकाल में लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में फर्स्ट जनगणना हमारे देश में किसके शासन काल में की गई थी चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए क्वेश्चन को समझना सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है पहली बार जनगणना किसके काल में की गई सिर्फ क्वेश्चन में इतना पूछा गया है ठीक है तो कमेंट करना आप लोग इस तरह आंसर क्या आएगा जी हाँ ऑप्शन ए डफरीन बी लिटन सी मेयो डील रिपन ठीक है जनगणना हमारे देश में पहली बार किसके शासन काल में की गई तो देखो हमारे देश में जनगणना पहली बार की गई थी अठारह में एटीन में और इस समय हमारे देश के कौन है लॉर्ड लॉर्ड मेयो लौड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना की गई थी अठारह में समझ गए मेरी बात ये मे वही है जिसके अंडमान निकोबार में एक अफगानी कैदी ने चाकू से हत्या कर दी थी लॉर्ड मेयो की हत्या हमारे देश के अंदर हुई थी अंडमान निकोबार में एक कैदी ने अफगानी कैदी ने इसको चाकू मार दिया था लॉर्ड मेयो खत्म अजमेर के अंदर जो मेयो कॉलेज है वो इसी के नाम पर है लॉर्ड मेयो के नाम पर ही ठीक है तो सबसे पहले जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में अठारह में वर्तमान में हमारे देश में जनगणना आप लोग देख रहे हो दस साल के अंतराल में होती है अब दो में होने वाली है सोलहवें नंबर की जनगणना इससे पहले दो में हो चुकी है तो अट्ठारह से आप लगा के देखोगे दस साल दस साल दस साल ऐसे तो दो नहीं बैठता है क्यों नहीं बैठता क्योंकि नियमित रूप से पहली बार जनगणना हमारे देश में है ना वो अठारह में हुई थी नियमित रूप से पहली बार जनगणना हमारे देश में हुई थी 1881 में और अठारह में भारत के वाइस राय थे लॉर्ड रिपन देखो पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी मेयो के काल में अठारह में लेकिन कंटिन्यू नहीं नियमित रूप से पहली बार जनगणना अठारह में रिपन के काल में हो रही है रिपन जो हमारे देश में स्थानीय का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन एल्बर्ट बिल रिप्पन के काल में ही पारित हुआ था है ना एल्बर्ट विधेयक रिप्पन के काल में पारित हुआ था ठीक है हंटर जो शिक्षा आयोग था वो भी रिप्पन के शासन काल की घटना है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फ्लोरेंस नाइनटिगेल जिसके बर्थडे पर प्रतिवर्ष 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइनटिगेल तो फ्लोरेंस नाइनटिगेल ने लॉर्ड रिपन को कहा था कि लॉर्ड रिपन तो भारत का उद्धारक है भारत का उद्धार करने वाला है भारत का उद्धारक है तो काफी बनते रिपन जी के भी ठीक है तो कुल मिलाकर रिपन के काल में नियमित रूप से जनगणना हुई थी और वैसे पहली बार सीधा क्वेश्चन आपके सामने पूछे जैसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने पे डाला है तो प्रथम जनगणना के काल में बिल्कुल देखना, 36 के एक भरी अग्र का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था फॉरवर्ड पॉलिसी सीधे एक तरह से अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था ऑप्शन देखेगा ए मिंटो बी डफरिन सी एलिगन टी लिटन अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड आए हुए क्वेश्चन है ज्यादातर ध्यान रहे आप लोगों को आप लोग इन क्वेश्चनों को हले लेके मत चलना इनमें से छाटना मत मैं मेन मेन क्वेश्चन ही आपके सामने लेके आया आय कभी तुम इनमें से भी छाटो ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान रहे कभी क्वेश्चनों को देख कर इनको एक तरह से माइनस करो ना तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चन तो आज तक हमने बुकों में देखे नहीं है ना ये पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन है ज़्यादातर ध्यान रहे और उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं तो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई वो आएगा लॉर्ड लिटन ठीक है अठारह सो में लिटन हमारे देश के वाइस बने थे और अफगानिस्तान के प्रति इन्होंने एक नीति जो अपनाई थी उस बहुत अन्य गवर्नर से काफी चेंजमेंट वाली पॉलिसी थी इसकी ठीक है तो अग्रगामी नीति का अनुसरण करने वाला भारत में जो वाइस था वो लिट्टन है अट्ठारह में ये भारत के वाइस बने थे लिट्टन ये वही लिटन है जिसको भारत में ओवन मैरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है और इसके काल में दो एक्ट आए थे जो बहुत ही खराब थे जैसे कि आपने होगा आर्म्स एक्ट अठारह का आर्म्स एक्ट हथियार रखने का लाइसेंस प्रदान करवाना है ना मतलब हथियार हमारे देश के जो लोग हुआ करते थे अपने डिफेंस के लिए अपने घरों में वेपन्स वगैरह रखे थे रखते थे तो उनको ये मना करवा हथियार रखने का अधिकारी लोकल समाचार पत्र इन पर बैन लगा दिया था लॉक कर दिए थे तो वर्ना कुल्लर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट अठारह में लिट्टन के काल में पारित हुए थे दोनों कानून और अफगानिस्तान के विरुद्ध इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी का यूज किया 1876 में देश के वायसराय बने थे ये लिटन निमंतकार साहित्यकार इंजीनियर ये था ये तो इसको ओवन मैरिडथ ओवन मैरिडथ के नाम से भी लिटन को जाना जाता है हमारे देश के इतिहास में वायसराय के लिस्ट में ठीक है जी तो लिटन इसका बिल्कुल चांस हो जाएगा 36 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिएगा भारत में स्थानीय स्वायत शासी संस्थाएं 1882 ई में सशक्त की गई थी स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में किसके द्वारा सशक्त की गई थी यानी कि भाई सिंपल सी बात है लैंग्वेज हार्ड लग रही हो ना सिंपल सी बात है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है किसके शासनकाल में स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया गया था स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है आपने यह आंसर देना है कौन थे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक तो अब देखिए आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो ऑप्शन आपके सामने संस्थाएं स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है ठीक है स्थानीय स्वशासन का जनक लेकिन यूपीएससी जैसे पेपरों में जाओगे तो लैंग्वेज ही चेंज होकर आपके सामने आ जाएगी जैसे कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो वहां पर ऐसे लैंग्वेज शब्द वगैरह हिंदी लाइन में थोड़ी हार्ड डाल देंगे है ना स्टेटमेंट डाल देंगे कथन डाल देंगे है है ना आपको घुमाने के लिए तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा बिल्कुल सही आंसर जी कारोलिया आशीष तक्ष मलिक गणेश कुंडू अमित राव सही आंसर है भाई वैसे सभी का लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही आंसर आएगा स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट देखना थर्टी एट क्वेश्चन देखना अभी अभी मैंने बात भी की थी लेकिन अब उस पर आपने थोड़ा सा और गौर करना है इलबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था ठीक है इलबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था मैं आपको बता दूं दो फरवरी अठारह को 1883 समझ रहे मेरी बात अठारह ईस्वी को इलबर्ट विधेयक पास हुआ था इलबर्ट अंग्रेज के नाम पर इलबर्ट विधेयक पास हुआ था कई बार तो पूछा जाता है इलबर्ट बिल किसके काल में आया तो रिपन के काल में आया तो समझ गए कब अट्ठारह में दो पॉइंट क्लियर क्या था इलबर्ट बिल क्या था आपके सामने चार ऑप्शन है आंसर देना फर्स्ट ए भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना बिल्कुल गलत है भाई हथियारों से रिलेटेड तो इलबर्ट बिल था ही नहीं भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना यह भी बिल्कुल गलत होगा एल्बर्ट बिल से इसका भी कोई लेना देना नहीं है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना समझ रहे हो मेरी बात को बिल्कुल से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देखिएगा एल्बर्ट बिल अठारह में आया अंग्रेज न्यायाधीश भी हुआ करते थे हमारे हिंदुस्तान के न्यायाधीश भी हुआ करते थे लेकिन पावर बराबर नहीं दी जाती थी जो अंग्रेज न्यायाधीश है और जो एक मान लो इंडियन न्यायाधीश है सेम क्वालिटी है सेम पद है सेम पोस्ट है लेकिन वेतन में भेदभाव पावर में भेदभाव अंग्रेज को ज्यादा पावर दी जा रही है हिंदुस्तानी को कम पावर दी जा रही है और दूसरा जो जो केस अंग्रेजों के केस आते थे उन केसों का समाधान अंग्रेज का ही न्यायाधीश करता था हिंदुस्तानी न्यायाधीश को उस केस का समाधान नहीं करने देते थे यानी यह भेदभाव किया जा रहा था भारतीय न्यायाधीश और यूरोप के न्यायाधीशों के मध्य जो ये एक इक्वल एक, सिस्टम नहीं था यहां पर तो इसको दूर करने के लिए यानी एल्बर्ट बिल क्यों लाया गया था एक आसान भाषा में समझे तो भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय न्यायाधीश की शक्ति को समान करने के लिए भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय न्यायाधीश की शक्ति को समान करने के लिए एल्बर्ट बिल अट्ठारह में पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में मेरे बात को समझ रहे हो और इसी समय ध्यान रहे इसी समय एक विद्रोह भी हो गया था हमारे देश में जिसको कहा गया था श्वेत विद्रोह ठीक है श्वेत विद्रोह ये इस इलबर्ट विधेयक के दौरान ही हुआ था श्वेत विद्रोह इस समय एक विद्रोह भी हुआ था श्वेत विद्रोह इलबर्ट बिल के दौरान ही ठीक है तो भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय न्यायाधीश की शक्ति को समान करने के लिए एल्बर्ट बिल आया था अठारह में और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब आप आंसर दोगे तो मेरे हिसाब से से आंसर दे सकते हो अगर आपने एल्बर्ट बिल के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई अंग्रेज के ऊपर कोई केस है ना और उस केस का सलूशन करना है तो भारतीय न्यायाधीश उस केस का सलूशन करता ही नहीं था करने नहीं देते थे करता तो क्या करने नहीं देते थे अंग्रेज के ऊपर कोई केस है तो उसका सोल्यूशन अंग्रेज न्यायाधीश ही करता था इंडियन न्यायाधीशों को तो सोलूशन करने देते नहीं थे ये एक तरह से बैन लगा रखा था नियम लागू था इनका तो इसको हटाने के लिए इसको हटाने के लिए हमारे देश में एल्बर्ट बिल लागू किया गया था अठारह सो ईस्वी के अंदर ठीक है जी तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हो गे? मैंने जो आपको बताएर्ट तो बिल विवाद किससे संबंधित है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना तो मेनली आज अपनी जो सेकंड सीरीज थी देखो हिस्ट्री की नाइन्थ सीरीज है लेकिन अपने इसका गवर्नर जनरल का जो पार्ट है वो सेकंड था आज हमने इतने क्वेश्चन कवर किए इससे आगे पार्ट अपना थर्ड पार्ट आएगा तो वहां पर हम लोग कवर करेंगे तो मेनली आप लोग इतना कवर करना आशा कर तो चीजें आपको समझ में आई होगी बाकी किसी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना आप लोग पढ़ते रहना खुश रहना थैंक यू गुड आफ्टरनून थैंक यू